मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन और वचन के भेद का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वचन क्या होते हैं, वचन के भेद क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर मैं आपको पढ़कर आपको बता दूंगा। और इस विषय के बारे में हम और वीडियो आपको बनाकर आपको बताएंगे। ठीक है, तो वचन क्या होते हैं, वचन शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु प्राणी की एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी या तो कोई वस्तु हो, जैसे ये मार्कर है, या कोई प्राणी हो, है ना, प्राणी में मनुष्य भी आएंगे या फिर जानवर, ठीक है, या पक्षी। तो प्राणी हो या वस्तु हो की एक, या तो वो एक हो अथवा एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, उनको हम बोलते हैं वचन। ठीक, तो वचन क्या होंगे, मूलतः शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम पता करते हैं कि किसी वस्तु या कोई प्राणी की संख्या एक है या एक से ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं वचन के भेद। वचन के भेद होते हैं बच्चों दो प्रकार के, पहला नाम है एकवचन, दूसरा भेद है बहुवचन। जैसे नाम से पता लग रहा है एक वचन, यानी यहां पर जो चीज होगी, प्राणी होगी, वस्तु होगी, वो उसकी संख्या बताएगा एक। बहुवचन यानी किसी प्राणी या वस्तु की संख्या वो बताएगा एक से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो इसकी परिभाषा को हम जान लेते हैं, शब्दों के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बकरी क्या है, प्राणी है, बस्ता वस्तु है, और गधा क्या है, प्राणी है। तो इसी तरह और आदि हो सकते हैं, लेकिन वो क्या बताते हैं शब्द। जैसे ये बकरी है, तो बकरी क्या है, एक, गधा एक, बस्ता एक, तो ये हो जाएंगे एक वचन। बहुवचन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था बकरी, अब मैं इसका बहुवचन लिखूंगा बकरियां, तो आपको शब्द से समझ में आ गया कि बकरियां, अगर मैं शब्द लिख रहा हूं इसका मतलब है बकरियों की संख्या एक से अधिक है, तब हम उसको बोलते हैं बकरियां। इसी प्रकार दूसरा है बस्ते, यहां पर मैंने एक वचन में क्या लिखा था, बस्ता, तो यहां पर कितना लिखा है मैंने, बस्ते, यानी बस्ते की संख्या एक से अधिक है, इसलिए यहां पर जो शब्द होगा उसको हम लिखेंगे बस्ते। इसी प्रकार गधा, गधा अगर एक से अधिक है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, गधे, ठीक है, और आदि, यानी इसके और तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने जाना वचन क्या होते हैं और वचन के भेद क्या होते हैं। आने आने वाले वीडियो में मैं आपको एक वचन और बहुवचन के बहुत सारे उदाहरण आपको प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।